पिछला वीडियो एक बहुत अच्छा डिस्कशन था जिसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल क्या होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें वेरिएबल्स को यूज़ किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ज़ैम्प जो है वो चालू है। अगर आप लोगों का ज़ैम्प चालू नहीं है तो उसको चालू कर लेना, क्योंकि ज़ैम्प को चालू नहीं किया तो आपका प्रोग्राम चालू नहीं होगा। और फिर आप उसके बाद बोलेंगे कि प्रोग्राम चालू क्यों नहीं हो रहा है, तो चालू कर लेना। बाय द वे, चालू का मतलब स्टार्ट होता है, इन केस यू डोंट नो। तो यहाँ पर मैं अपने वी एस कोड में वापस से आऊँगा और एक नई फाइल बनाऊँगा 06 underscore, और उसका नाम मैं रख दूँगा वापस से मोर अंडरस्कोर ऑन वेरिएबल्स डॉट पी एच पी। ठीक है, तो बड़े बड़े नाम भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम मोर ऑन वेरिएबल्स डॉट पी एच पी दे दिया। वापस से मैं एक काम करूँगा, पी एच पी यहाँ पर लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये लिख के पी एच पी को बंद कर दूँगा। अब आप में से कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अरे भाई हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स क्यों लिख रहे हैं। तो यार, आप अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप getbootstrap.com पर जाओ, डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करो, और स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लो कहीं भी। और ये जो पी एच पी वाला टैग है इसको मैं हटा देता हूँ अभी, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर डालूँगा और मैं एक पैराग्राफ के अंदर बेसिकली इसको डाल दूंगा। तो आप लोग अगर ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एको दिस इज मोर ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेमी कोलन लगा लेना बस, वरना एरर आ जाएगा। इसको अब मैं रिलोड करूँगा। अगर मैं यहाँ पर अपना इसमें जाकर मोर ऑन वेरिएबल्स को खोलता हूँ, देखो दिस इज़ मोर ऑन वेरिएबल्स लिख कर आ गया। अब अगर आप लोगों को और अच्छा करना है इसको, तो कंपोनेंट्स में जाओ, नैव बार में जाओ, बिना HTML CSS JavaScript जाने ये कोड पेस्ट करो, और ये कोड पेस्ट करके यहाँ पर बॉडी के अंदर लगा दो इसको, नैव बार को। ठीक है, और यहाँ पर इसको सिर्फ इतना सेव करोगे अगर, तो आपको ये दिखाई देगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये नैव बार यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर नैव बार की जगह आप लिख सकते हो PHP ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मेरा जो नैव बार है, जहाँ पर नैव बार लिखा है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करके आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर आप लोग HTML CSS JavaScript जो है बहुत डीपली सीखें और उसके बाद वेबसाइट बनाएं। आप लोग बिना इसके भी बना सकते हैं वेबसाइट, अगर आप लोग सिर्फ एक बैकएंड की लैंग्वेज सीखकर और जो फ्रंट एंड में फ्रेमवर्क है उसको यूज़ करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको CSS HTML JavaScript नहीं आनी चाहिए और वो सब वेस्ट है, उसका अपना यूज़ है, वो आप लोगों को डेफिनेटली मदद करेगी अगर आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से सीखा तो। बट यहाँ पर आप लोगों का काम चल जाएगा, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर नहीं भी सीखी तो। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इसको डार्क करना है तो मैं यहाँ पर नैव बार डार्क VG डार्क कर दूंगा, दोनों जगह डार्क करूंगा। और ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, अभी के लिए हम लोग इनमें नहीं जाएंगे, सिंपली आप लोग डार्क कर लो अगर आपको इसको डार्क करना है, तो ये डार्क हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि सारा का सारा जो कंटेंट है उसको आप एक कंटेनर के अंदर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर div.container लिखूँ, अगर देखो मैंने div.container लिखा, एंटर मारा, तो div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर बन गया। और आप लोग अभी इसको बिल्कुल भी मत सोचना कि ये क्या है, बस इस तरह से आप लोग इसको बना लो। कंटेनर बनाने के बाद उसके अंदर एक पैराग्राफ डालो। तो मैं इसको अगर रिलोड करूँगा तो देखो ये यहाँ पर बीचों बीच आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैंने कंटेनर स्टार्ट किया। कंटेनर का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप लिखोगे उसके बीचों बीच रहेगा, ये यहाँ पर बीचों बीच रहेगा। ये बूटस्ट्रैप की एक क्लास है कंटेनर। कंटेनर को HTML CSS JavaScript का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आप div कंटेनर, div में क्लास लगा दिया आपने कंटेनर जिसमें कुछ CSS लिखी हुई है, जो कि ये कहता है कि भाई बीचों बीच रखना है और इतने के बीचों बीच यहाँ पर रखना है सारा कंटेंट। तो ये यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट रखेगा। तो आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो अभी के लिए कोड को सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाद में हम लोग अगर आप लोग सीखना चाहो HTML CSS JavaScript तो सीख लेना, अगर आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है यार। ठीक है, तो यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, मैं सबके लिए बता दिया क्या करना है आपको। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक H1 लिखूँगा, फिर H2 लिखूँगा, मोर ऑन PHP वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिखा तो ये देखो यहाँ पर आ गया। अब वेरिएबल्स के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने H2 लिखा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक H4 लिखता हूँ, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन PHP मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, UL स्टार्ट करूँगा। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा LI। ठीक है, और ये जो PHP है, इनफैक्ट इसका कोई काम है नहीं अभी, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को रूल्स बताना चाहता हूँ फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन PHP। तो पहला रूल यहाँ पर मैं लिखूँगा, पहला रूल यहाँ पर क्या है, पहला रूल आपका है कि
जो आपका PHP वेरिएबल है वो डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने इस चीज़ को ऑलरेडी देख लिया कि जो हमारा PHP का वेरिएबल है वो एक डॉलर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ये पैराग्राफ भी हटा देता हूँ यहाँ से, और ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है। अभी सिंटेक्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने कंटेनर लिखा, क्या लिखा, और मैंने यहाँ पर इसको बहुत जल्दी जल्दी किया। आई टोटली अग्री कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया इसको। तो HTML CSS JavaScript अगर नहीं आता है तो इग्नोर करते हुए कॉपी करो फॉर नाउ, ठीक है। फॉर नाउ आप लोग इसको इग्नोर करके कॉपी कर सकते हो और PHP पर जो है अपना फोकस दे सकते हो। तो मैंने div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर लिखा, इसमें एक H2 डाला, उसके अंदर मैंने H4 डाला। इसको ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने UL एक स्टार्ट करी और इसके अंदर मैं एक लिस्ट आइटम डाल रहा हूँ। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम। मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट्स विद अ डॉलर साइन। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया, जो हमारा PHP का वेरिएबल है वो स्टार्ट करता है विद अ डॉलर साइन। इसको रिलोड करूंगा तो स्टार्ट विद अ डॉलर साइन। दूसरा रूल क्या है हमारा PHP का वेरिएबल्स बनाने का, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो नंबर से ये स्टार्ट नहीं हो सकता। आप वन हैरी या फिर वन नेम वन करके नहीं बना सकते, 2, 3, 4, ये इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। हालांकि आप नेम वन, नेम टू, नेम थ्री नामक वेरिएबल्स बना सकते हैं, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। और ये स्टार्ट फिर किससे होगा अगर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। तो या तो एक लेटर से या फिर एक अंडरस्कोर से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद अ डॉलर साइन कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, ठीक है। और अंडरस्कोर क्या, अंडरस्कोर एक कैरेक्टर है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वेरिएबल में क्या होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल का की जो बॉडी है उसमें क्या हो सकता है उसकी बात अगर करें, तो उसमें क्या हो सकता है, हमारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल दो जो कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर के अलावा आते हैं, ठीक है। या तो आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल सकते हो, अंडरस्कोर डाल सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर PHP स्टार्ट करता हूँ, एक ब्लॉक में करूँगा स्टार्ट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर, और उसके बाद मैं लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू हैरी, और उसके बाद सेमी कोलन लगा के एको डॉलर नेम कर दूंगा। तो मैं ये करूँगा तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर हैरी देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन अगर मैंने इसका नाम इस तरह से कर दिया हैरी M%, और मैं इसको भी रन करूँ तो ये देखो कह रहा है कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आई डोंट नो वॉट इट इज़, ऐसे बोलता है ये, ठीक है। तो M% नहीं लगा सकते, लेकिन आप 5 लगा सकते हो। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। देखो नेम 5 किया, ओके, सो नेम 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे किया तो ये कह रहा है यहाँ पर हैरी, ठीक है। बाय द वे मैं आप लोगों को वापस से दिखाना चाहता हूँ कि 5 की जगह अगर मैंने परसेंटेज लिखा होता है यहाँ पर तो ये मुझे एरर ही देता है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे एरर नहीं देता। देखो रिलोड किया, ये देखो एरर दे रहा है, कह रहा है कि पार्ट्स एरर आ चुका है। तो ये जो हमारा 5th वाला रूल है वो यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको इस तरह से कमेंट आउट कर दूंगा इन दोनों को, और आप लोग जो है इसको अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर लेना। तो स्टार्ट विद अ डॉलर साइन कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर कैरेक्टर, कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अंडरस्कोर्स। एक और यहाँ पर ऐड करूँगा पॉइंट, और वो है हमारा कि केस सेंसिटिव, इज केस सेंसिटिव। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ उसको, वेरिएबल्स इन PHP आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो जो केस सेंसिटिविटी होती है वो होल्ड करती है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि डॉलर हैरी एंड डॉलर हैरी आर डिफरेंट, ठीक है। और डॉलर हैरी ये भी डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक कैपिटल है। तो सारा स्मॉल सिर्फ ए कैपिटल और सिर्फ एच स्मॉल, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आप इसमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी एक, तो उसको ठीक करता हूँ और यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया मैंने।
सो गैस ये थे हमारे कुछ रूल्स जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए। इनफैक्ट इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा वरना हमको एरर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया वो आ जाएगा। अब आप लोग बूटस्ट्रैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग को अगर मार्जिन ऐड करनी है ऊपर तो उसके लिए भी क्लास बता देता हूँ बूटस्ट्रैप में क्या होती है। आप MY2 करके या MY3 करके ऐड कर सकते हो और ऊपर जो ये स्पेसिंग है थोड़ी सी आ जाएगी। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी अभी ये नहीं बोलूँगा कि आप इन चीज़ों को सीखो अगर आप लोगों को नहीं आती है तो। अभी PHP पे आप फोकस कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो टाइटल है मेरा यहाँ से चेंज हो जाएगा तो मैं यहाँ पर Tutorial 6 ऑन PHP वेरिएबल्स लिख देता हूँ यहाँ पर। और जो है मेरा Tutorial 6 ऑन PHP वेरिएबल्स ऐसे लिख कर आ गया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को जो है ये समझ में आ गया कि क्या वो रूल्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने चाहिए PHP में वेरिएबल्स बनाने के लिए। गाइज ये जो सोर्स कोड है वो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को सोर्स कोड जो है पूरा का पूरा बराबर से दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट तो काइंडली इसको एक्सेस कर लें जल्दी से जल्दी। ऊपर क्लिक करके बुक मार्क करें यहाँ पर और नीचे यहाँ क्लिक करके सेव कर लें। इससे क्या होगा कि आप लोग जो है बहुत ही आराम से इस प्लेलिस्ट को देख पाएंगे और समझ पाएंगे, सीख पाएंगे PHP को अच्छी तरह से। अगर आप लोगों ने वीडियोस लाइक नहीं किया तो काइंडली गाइज मेरे लिए इन वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।